my lovely foodies, I'm Ruchiji and welcome back to my channel, The Siblings Kitchen. Friends, today in this episode, we will make the baked braided vada pav rolls, which is a very interesting and innovative recipe hai, and which you can serve in the, as a breakfast. And we will not fry it, we will bake it. And we will make a very tasty sa, South Indian style mein, vada pav ka masala, aloo se, aur saath mein banayenge suki chutney, jo ki bahut hi zyada spicy aur tasty hone wali hai. So without further ado, let's get back towards the recipe. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना सुपर टेस्टी एंड डिलीशियस बेक्ड वड़ा पाव रोल्स, जो कि है मुंबई की स्पेशल, बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसे हम फ्राई करके नहीं बनाएंगे, बेक्ड करके बनाएंगे. बहुत ही इनोवेटिव और सुंदर दिखने वाली ये रेसिपी है. इसमें हम सूखी वड़ा पाव की चटनी भी बना लेंगे और टेस्टी सा आलू का मसाला भी. तो सबसे पहले हम इसके लिए डो प्रिपेयर कर लेते हैं वड़ा पाव का. तो सबसे पहले मैंने ये लिया है 2 कप मैदा. तो आप चाहें तो इसे आटे से भी बना सकते हैं, बट मैंने लिया है इसके अंदर मैदा, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है. फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर. बिना यीस्ट के हम इसको बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा. साथ में इसमें ऐड करेंगे 2-3 टेबल स्पून ऑयल. इसमें मोइन देते हैं ना, उस तरीके से देंगे. और 1 कप हमने इसमें ऐड करा है दही. अब इसके अंदर 2-3 टेबल स्पून दूध के हम डालेंगे. जो मिल्क है हमारा वो ल्यूकवॉर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए. अब अच्छे से इस आटे को हम गूंथ लेंगे. थोड़ा सा पानी भी ऐड करें एज़ पर योर नीड, बट धीरे धीरे करके पानी डालें. आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थोड़ा नरम इस तरीके का होना चाहिए. थोड़ा सा और ऑयल लगाएंगे और अच्छे से इसे मथ लेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए. अच्छे से फर्मेंट होना चाहिए ये, क्योंकि हम इसे बिना यीस्ट के बना रहे हैं. तो फर्मेंटेशन के लिए हमने इसमें दही ऐड करा है, उससे बहुत अच्छा इसमें खमीर उठ जाएगा और बहुत ही टेस्टी आटा लगेगा इसका. इस तरीके से अब ऑयल लगा के इसे ढक दें 20 मिनट के लिए. अब फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप में हम प्रिपेयर कर लेते हैं आलू का वड़ा पाव मसाला. तो सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है. इसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून के करीब ऑयल, नॉर्मल ऑयल मैंने ऐड किया है. 1 टीस्पून इसमें जीरा और 1 टीस्पून राई हम ऐड करेंगे. इसे अच्छे से सौते करेंगे जब तक कि चटकने लगे. बहुत ही टेस्टी सा मसाला हम इसका प्रिपेयर करेंगे, ज़्यादा कुछ मसाले ऐड नहीं करेंगे. फिर मैंने इसके अंदर मीठा नीम ऐड करा है, कम से कम 1 लीफ के अराउंड, 1 डंठल पूरा. अब जब ये हो गया है गरम, हम इसमें ऐड करेंगे ये मैंने जो तीखी वाली मिर्ची होती है वो मैंने इसके अंदर डाली है एक बारीक बारीक काट के, और लहसुन काटा है मैंने 3-4 कलियों के अराउंड, और इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून, वो भी अच्छे से इसे थोड़ा सा फ्राई होने देंगे जब तक कि थोड़ा पिंक हो जाए इस तरीके से. अब इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे बॉइल्ड पटैटोस. ये मैंने 3 आलू होते हैं बड़े वाले, वो मैंने इनको बॉईल कर लिया था, और इस तरीके से इसमें ऐड करेंगे. बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी हमारा मसाला रेडी होगा. अब मैंने इसके अंदर चॉप धनिया ऐड करा है और 1 टीस्पून सॉल्ट. बस ज़्यादा मसाले हमें इसमें ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि जो हम चटनी बनाएंगे इसमें सूखी वड़ा पाव की, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे मसाले होंगे जो कि हमारे वड़ा पाव को बहुत ही टेस्टी सा टेस्ट देंगे. तो ये हमारा वड़ा पाव का मसाला बनके एकदम रेडी है. अब इसे ठंडा होने देते हैं, सूखी स्पाइसी वड़ा पाव चटनी बनाते हैं. तो फ्रेंड्स, ये कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, मैंने इसमें ऐड करा है 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल. अब इसमें ऐड करेंगे मूंगफली, ये मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब मूंगफली. इन्हें अच्छे से रोस्ट करेंगे. तो ये इस तरीके से ब्राउन हो गई है, इतना हमको उसको रोस्ट करना है. अब हमें सब चीज़ों को मिक्सी में लेंगे, एक एक करके रोस्ट करेंगे सब सामान, क्योंकि कई ज़्यादा रोस्ट करना है, थोड़ा कोई कुछ कम रोस्ट करना है. तो उस हिसाब से ये मैंने लिए हैं 2 टीस्पून सफ़ेद तिल, होते हैं ना कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, वाइट तिल वो मैंने ऐड करे हैं, जिसे सीसम सीड्स भी कहते हैं. ये सूखी लाल मिर्च है, ईजिली अवेलेबल होती है, तो 3-4 जो लाल मिर्च है वो मैंने ऐड करी है. इसी से इसका स्पाइसी टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी चटनी बन के रेडी होगी. अब इन दोनों को भी 2 मिनट तक सौते करेंगे, और मिक्सी में डाल दिया मैंने. तीसरा हम रोस्ट करेंगे हमारे लहसुन. तो ये 10 से 15 लहसुन की कलियाँ हैं वो मैंने ली है. अगर आप लहसुन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में लें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है. 2 मिनट तक सौते करें और इसे भी मिक्सी में डाल दें ग्राइंड होने के लिए. अब जो है हम थोड़ा सा ऑयल वापस लेंगे, और इसके अंदर हमारा जो खोपरे का बुरादा होता है उसको हम रोस्ट करेंगे. तो आपने देखा होगा मैंने सब चीज़ों को अलग अलग रोस्ट करा है, क्योंकि सब एक ही तरीके से रोस्ट नहीं होते हैं, कई जल्दी हो जाते हैं कई थोड़ा लेट. तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, सबको हमने ले लिया मिक्सी में. अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इसे अच्छा कलर देने के लिए. तो ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद हमारी सूखी वड़ा पाव चटनी एकदम रेडी है.
अब चलिए फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अपना आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से आटा लग गया है हमारा। अब इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से वापस गूंथ लें एक बार। और इस तरीके से अब एक लोया निकाल लेंगे और इसे असेंबल करेंगे, इसकी रोटियां बेल लेंगे हम। तो जिस तरीके से हम बेलते हैं वैसे रोलिंग पिन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है, इस तरीके इसकी थिकनिंग होनी चाहिए। अब इसे असेंबल करते हैं। जो हमने सूखी वड़ा पाव की चटनी बनाई थी स्पाइसी वाली, वो अच्छे से लगा देंगे एक साइड में। आप अच्छे से देखिए मैं किस तरीके से असेंबल कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको ये वड़ा पाव रोल्स बनाने हैं। तो एक तरफ लगाया है मैंने ये, अब इसी के ऊपर जो आलू का मसाला बनाया था ना हमने, वो भी हम इस पर अच्छे से लगा देंगे। अच्छी क्वांटिटी में लगाएं इसे ऊपर से वापस से अच्छे से। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो वापस ये चटनी लगाएं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ही टेस्टी सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, एकदम न्यू है और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। और इसे फ्राई भी नहीं करना पड़ता, बहुत कम ऑयल में बनेगी, बेक से बनेगी, सबसे अच्छा ये बात है इसकी। तो इस तरीके से पानी लगा देंगे और ये देखिए मैं जिस तरीके से कट कर रही हूँ ना, नीचे से एक एक नाइफ की मदद से, नाइफ शार्प होना चाहिए, एक एक इस तरीके से हम कट कर देंगे। और जो हमने पानी लगाया था उससे अच्छी तरीके से एंड टू एंड इसे चिपका देंगे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप ये बिल्कुल वैसे ही करें, बिल्कुल एंड में इसे पेस्ट कर दें। तो पानी लगाने की वजह से आराम से पेस्ट हो जाएगा। कितना सुंदर दिख रहा है ना ये, बेक होने के बाद जब इसका ब्राउन कलर आएगा तो ये वड़ा पाव बहुत ही सुंदर बनेंगे। और इसकी सूखी चटनी और इतना टेस्टी सा इसका मसाला है, उससे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो सारे मैं इस तरीके से प्रिपेयर कर लूँगी। अब बेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी अपने ओवन को जो है 220 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने रख दिया था। तो बेकिंग ट्रे में नीचे अच्छे से बटर लगाएं या ऑयल लगाएं, ये तीनों मैंने इस तरह से लगाए हैं। इनके ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगा दें अच्छे से, ताकि रोस्ट अच्छे से नीचे की तरह तरह ऊपर से भी रोस्ट हो जाएँ। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऊपर से लगाएंगे। अब हम इसे बेक करेंगे हमारे ओवन में, वो भी गर्म हो गया होगा, 15 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए अब 220 डिग्री सेल्सियस पे इसे 20 मिनट के लिए अच्छे से बेक करें। तो ये देखिए एकदम ब्राउन हो गए हैं, कितने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, पूरा बेक हो गया है ये, बहुत ही हमारे टेस्टी से ये बेक्ड वड़ा पाव रोल्स बन के रेडी हैं। इन्हें ग्रीन चटनी के साथ और ये सूखी वड़ा पाव की चटनी के साथ आप सर्व करें ब्रेकफास्ट के लिए, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट न्यू रेसिपी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल द सिबलिंग्स किचन को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।